नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उस सवाल का सही सही जवाब देंगे उनको बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और आपके तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। कृषि कानून किसानों को भिखारी बना देगा, तेजस्वी ने कहा 29 दिसंबर को लेफ्ट के राजभवन मार्च को राजद समर्थन देगा। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि को निजी किया जा रहा, कृषि बिल में कई कमियां है। एपीएमसी की मंडी को 2006 में बंद करवा दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसानों के प्रति परिवार आय सबसे नीचे है, इस मामले में झारखंड भी बिहार से आगे है। 29 दिसंबर को लेफ्ट की पार्टियों का राजभवन मार्च है, उसे हमारा समर्थन है। किसानों के मामले में चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सभी को हमारा समर्थन है, हम किसानों के मुद्दे पर साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन करते हुए 17 किसान शहीद हो गए हैं, इस पर बिहार सरकार का कोई ट्वीट नहीं है। बिहार की डबल इंजन की सरकार का कोई ट्वीट ही नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है। हम आज किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनको नमन करते हैं और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम उनके साथ हैं। यह कानून किसानों को भिखारी बनाने वाला कानून है। बड़ी खबर, नए साल में उपभोक्ताओं को झटका देगी बिजली, कंपनियों ने 10% महंगा बिजली का प्रस्ताव बनाया। जी हां, नए साल में बिहार की बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने नए साल में 10% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिहार की दरों में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव को इस सप्ताह के अंत तक राज्य विद्युत विनियामक आयोग सौंपने की तैयारी है। लंबे अरसे से फायदे में रहने वाली बिजली कंपनियों को फिलहाल 15% घाटे का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस मार्च से लेकर जून महीने तक के बीच कम बिलिंग होने की वजह से कंपनियों के राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि अभी भी बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य ने अपने कामकाज को नहीं संभाला है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का राजभवन में शपथ ग्रहण नहीं हो सका, इसीलिए फिलहाल आयोग पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। रेलवे ने 8 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि बढ़ाया। आइए जानते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के अलग अलग शहरों के बीच चलने वाली 8 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अवधि बढ़ा दिया है। ये ट्रेनें अब 31 जनवरी 2021 तक चलेगी। इनमें सहरसा, पटना, पटना कटिहार और दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी प्रमुख है। बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों की सभी सीटें आरक्षित है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क करने के साथ ही कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आपको बता दें कि सहरसा पटना सहरसा इंटरसिटी राज्य रानी एक्सप्रेस के समय सारणी के अनुसार चल रही है। वहीं कटिहार पटना कटिहार स्पेशल का परिचालन इसी नाम से चलने वाले इंटरसिटी के समय सारणी के अनुसार हो रहा है। पटना भभुआ रोड पटना स्पेशल का परिचालन इसी नाम से चलने वाली इंटरसिटी के अनुसार हो रहा है। वहीं राजेंद्र नगर जयनगर राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी 31 जनवरी 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है। राजेंद्र नगर सहरसा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी बढ़ाया गया है। दानापुर साहिबगंज दानापुर स्पेशल इंटरसिटी भी अब 31 जनवरी 2021 तक चलेगी। राज्य में जमीन मापी में अब नहीं होगी देरी, रैयतों से गांव का नक्शा नहीं रहने की वजह से होती थी देरी। जी हां, अब अंचल अधिकारी यानी कि सीओ किसी मौजा की मापी कराने आए लोगों से उनके गांव का नक्शा नहीं मांग सकेंगे। इससे संबंधित निदेश भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को मंगलवार को भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया है कि सभी राजस्व मौजों का नक्शा 2 प्रतियों में अंचल कार्यालय में रखा जाएगा। अब तक जमीन के मापी करने आए रैतों से ही उसके गांव का नक्शा अंचल अधिकारियों द्वारा मांगा जाता था। रैतों के पास नक्शा नहीं होने की वजह से मापी में अनावश्यक देरी होती थी। कई बार रैत स्थानीय स्तर पर भी भाड़े पर नक्शा का इंतजाम करता है, जिसे उसे ₹500 तक का अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। यदि किसी तरह रैतों द्वारा मानचित्र की व्यवस्था की जाती है तो उसमें भिन्नता की आशंका रहती है और ऐसी स्थिति में भूमि विवाद सुलझने के बजाय उलझ जाता है और मापी में भी विलम्ब हो जाती है।
बिहार के 9 सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर बेमियादी हड़ताल पर, एक को छोड़ किसी में नहीं दिख रहा इलाज पर असर। जी हां, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि PMCH सहित बिहार के 9 सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर बुधवार की सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जूनियर डॉक्टरों ने OPD के अलावा इमरजेंसी में भी कार्य का बहिष्कार कर रखा है। इन लोगों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की है। हालांकि सभी मेडिकल कॉलेज में सीनियर डॉक्टर को तैनात कर दिया गया, इस कारण पटना के NMCH को छोड़कर बाकी के 8 अस्पतालों में हड़ताल का असर नहीं पड़ा है। वहीं IGIMS में तो कुछ जूनियर डॉक्टर भी ड्यूटी पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, मरीन ड्राइव के लिए 7 महीने और इंतजार। गंगा पथ पर अगले अगस्त से दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच दौड़ने लगेगी गाड़ी। राजधानी पटना का मरीन ड्राइव यानी कि गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक का गंगा पथ परियोजना का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दीघा से गांधी घाट तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले 8 महीने में यानी अगस्त 2021 तक दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच वाहनों का आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को गंगा पथ परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि दीघा से दीदारगंज तक 20.50 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के एस्टिमेटेड राशि 3390 करोड़ रुपये है। पटना का पारा लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री नीचे, गया सबसे कोल्ड। जी हां, शीत लहर की वजह से पूरा बिहार इस वक्त कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बिहार के ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना का तापमान लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। दिन के तापमान में भी कमी की वजह से लगातार लोगों को ज्यादा कनकनी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल बिहार में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। सुबह में कोहरा छाया रहेगा लेकिन धूप अच्छी खिलेगी। दिन के तापमान में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पछुआ हवाओं के कारण बिहार में ठंड बढ़ी हुई है। अगली बड़ी खबर, ठंड से बचाव के लिए अलग व्यवस्था करेगी सरकार, आपदा विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश। जी हां, बर्फीली हवा चलने से पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। बिहार में कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने की सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से फीडबैक लिया है। उन्होंने प्रधान सचिव को कई निर्देश भी दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को अलाव की व्यवस्था कराने को कहा है। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से बात कर विभाग द्वारा शीतलहर के प्रकोप से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। CCTV कैमरे के जद में होंगे बिहार के सभी संवेदनशील स्थान, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे CM नीतीश ने निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस के आला अधिकारियों को कहा कि बिहार के सभी संवेदन स्थल पर जल्द से जल्द CCTV कैमरे लगाया जाए, साथ ही साथ विधि व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने से संबंधित कई अहम निर्देश दिए। CM नीतीश बुधवार को पुलिस हेडक्वार्टर सरदार पटेल भवन पहुंचे थे। उनके यहां प्रवेश करते ही पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया और पूरा कार्यालय अलर्ट मोड में काम करने लगा। CM ने पहले तो पूरे भवन का गहन मुआयना किया। बतौर गृह मंत्री बी ब्लॉक के तीसरे तल पर बने अपने कार्यालय को देख और वहीं बैठकर सरकारी कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील स्थलों पर जल्द से जल्द CCTV कैमरे लगाए जाए। बैठक के बाद पत्रकारों से CM ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को PM किसान सम्मान निधि का 18,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, PM नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ के अगले किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवार को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक के हस्तांतरण किए जाएंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वह किसान कल्याण के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई पहल पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी।
4 करोड़ छात्र होंगे लाभवान। जी हाँ, अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को SC के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के करीब 4 करोड़ छात्र लाभान्वित होंगे। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 गुना की वृद्धि की गई है। छात्रवृत्ति की राशि में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देंगे। बिहारी युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए नीतीश कुमार की जबरदस्त प्लानिंग, राज्य भर में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। यहां नए कौशल का प्रशिक्षण पाकर अधिक से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। CM ने निर्देश दिया कि कौशल युवा केंद्रों और DRCC पर अन्य कामों के तकनीकी प्रशिक्षण व्यवस्था कराने के लिए आकलन कराए, पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सलेशन बनाए। PMCH में बनेगा टेली मेडिसिन सेंटर, फोन पर होगा इलाज, राज्य भर के मरीजों को होगा फायदा। जी हां, PMCH में जल्द ही टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए यहां सेटअप बनाया जा रहा है। एक सुसज्जित स्टूडियो में बैठकर यहां से डॉक्टर राज्य भर के मरीजों को चिकित्सीय सलाह देंगे। राज्य भर से मरीज फोन कर डॉक्टरों से अपनी बीमारी बताएंगे और फोन पर ही डॉक्टर उन्हें चिकित्सीय सलाह देंगे। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से यहां टेली मेडिसिन की यह सुविधा यहां उपलब्ध कराई जा रही है। इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी PMCH के कंधों पर रहेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिलहाल इसमें 3 विभाग के डॉक्टर बैठेंगे और मरीजों का टेली मेडिसिन के जरिए इलाज करेंगे। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 640 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,48,668 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 5,311 कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो वो दूसरी ओर राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 257 नए मामले सामने आए हैं। और अंत की बड़ी खबर, बिहार में आतंकी फैला रहे स्लीपर सेल का नेटवर्क, 7 जिलों में अलर्ट जारी। हाल ही में दबोचे गए थे 5 विदेशी। बिहार के सीमांचल के जिलों में आतंकी संगठनों के द्वारा स्लीपर सेल का नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। नेपाल बांग्लादेश में बैठकर आतंकी संगठनों के लोग पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और मिथिलांचल के मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा के जिलों में नेटवर्क लगातार फैला रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नेपाल के विराट नगर से सीमांचल के जिलों में मॉनिटरिंग और फीडिंग का संगठन के द्वारा स्लीपर सेल में लगे लोगों के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सनसनी खोज खुलासा हाल ही में कटिहार से दबोचे गए पाकिस्तानी और अफगानी नागरिकों से पूछताछ में हुआ है। ये पांचों कटिहार शहर के चौधरी मोहल्ला में कई माह से एक किराए के मकान में रह रहे थे। फिलहाल पांचों विदेशी नागरिक पूर्णिया के जेल में बंद है। सुरक्षा एजेंसी इन्हें जल्द ही रिमांड पर लेगी। जांच पड़ताल कई सत्र पर जारी है। सीमांचल के जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है और संदेशपाद लोग पर नजर रखने का निर्देश भी दिया गया है। कल के क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने सही बताया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हमारे देश भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।